आज शिवांश कुकिंग ब्लॉग में क्या बनने जा रहा है, आज बहुत ही डिफरेंट चीज बनने जा रही है। तो आज आइए मेरे साथ, तो हम क्या बना रहे हैं, तो मैं तैयारी करती हूँ। ये मेरे पास पैन है, तो इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच के करीब ऑयल, आप कोई सा भी डाल सकती हैं। ऑयल हो गया, इसमें मैंने डाला जीरा चटक गया। 1 कप पानी है, आप पानी बहुत हिसाब से डालें क्योंकि ऑयल गर्म हो जाता है ना तो पानी बहुत उचटता है, तो बहुत ध्यान रखें उसी हिसाब से इसमें पानी डालें। नमक इसमें मैंने डाल दिया है, हल्दी 1 चम्मच, मिर्ची 1/2 चम्मच, तीखा आप जैसा खाना चाहें उसी हिसाब से रखें। हाँ, बहुत ही शानदार रेसिपी बनने वाली है। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से रखें नमक को, स्वाद सबका अलग अलग होता है, तीखा नमकीन जो जैसा जैसा खाना चाहे आप अपने हिसाब से रखें। ये है ब्रेड, तो आज मैं ब्रेड से बनाने जा रही हूँ। ब्रेड की सैंडविच आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी बना रही हूँ उसके सामने आपके बच्चे बर्गर खाना भी भूल जाएंगे, तो इसमें मैंने 2 ब्रेड डाल दिए। अब इन ब्रेडों को अच्छे से इस पानी में मैश करेंगे, आप देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इन ब्रेडों को मैं अच्छे से मसल दूंगी। अब ये मेरे पास है ना 1 कटोरी चावल का आटा है, कटोरी छोटी है, और 1/2 कटोरी सूजी, यानी दोनों सेम बराबर ही ले लें। हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे, सूजी, चावल का आटा, राइस का जो आटा बोलते हैं राइस फ्लोर, आप सेम क्वांटिटी में रखें सूजी और चावल के आटे को। इनको सबको अच्छे से मिला देते हैं, इनका एक डोसा तैयार कर लेंगे। और ये अच्छे से मिल गया है, अब बराबर चला दे रहे, देख रहे हो। अब मैं ये हमारा आटा सा बन गया, उठा के देखती हूँ, ये किसी लोई बन गई है। अब इसे हम साइड में रख देंगे, तो निकालेंगे दूसरे बर्तन में। अब मैं उसी पैन में ऑयल डाल रही हूँ, तो इसमें फिर से मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। गाइस, मुझे इसमें बर्तन ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसी पैन में मैं सारी चीज़ बना लूँगी। इसमें डाल दिया हल्का सा जीरा, आप देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं। अब ये मेरे पास प्याज को मैंने अच्छा सा बारीक चॉप कर लिया, प्याज 1 ही रखी है। और इसमें डाल दी मैंने गाजर को अच्छा सा ग्रेट किया है, तो गाजर भी डालिए, गाजर इस सीजन में खूब अच्छा सा आ रहा है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने काली मिर्ची डाल दी है। अब डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, हल्की सी लाल मिर्ची का पाउडर, हल्का धनिया पाउडर, आप तीखा उसी हिसाब से रखें। आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप है ना काली मिर्ची का हटा सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप है ना दोनों मिर्चियों को बराबर रखें, क्योंकि ये रेसिपी तीखी अच्छी लगती है। ये मेरे पास है ना 2 बड़े आलू थे, इसको मैंने अच्छे से आलू को फोड़ लिया है, वो आलू उबला हुआ है, तो इसमें हम आलू की सब्जी से बनाते हैं वैसे ही बनाना है। और लेकिन आलू को है ना अच्छा सा मैश कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि इसमें गांठें नहीं रहे। तो गाइस आप देख पा रहे, ये है टमाटर केचप, इससे अच्छा स्वाद आने वाला है। इसमें हम डाल दिया टमाटर केचप, अब इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब ये हमने अच्छे से मिला लिया है, और ये डाल दिया हरा धनिया, धनिया बहुत आ रहा है, धनिया की बिल्कुल कंजूसी ही ना करें, धनिया खूब भर भर के डालें आप इस रेसिपी में। आप कुछ भी बनाएं धनिया का यूज़ तो खूब अच्छा होता है। ये आटा मेरा अच्छा सा ठंडा हो गया, बहुत ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल ले लिया हाथों में, ये चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा इतना हो कि हमारे ना हाथ हल्के हल्के जले ही नहीं, हल्का सा गुनगुना हो, तभी आटे को मैश करना चाहिए। ये ठंडा हो जाएगा ना तो मैश बिल्कुल नहीं होगा। ये मैंने अच्छा सा मैश कर लिया है इसको। अब इसकी हम बनाएंगे लोई, लोई हमारी अलग 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 एक सी बन जाएंगी। ये मैंने ना अच्छी सी बड़ी सी लोई बना ली है, आप देख पा रहे हैं, आप है ना इसको अच्छे से, तो इनकी बना ली मैंने अच्छी सी लोई। लोई को मैं ना हाथ में ना अच्छे से एक सा गोल सा कर लूँगी, अब आप देख पा रहे हैं। ये मैंने साइड में रख दिया, अब इस पर रखूँगी मैं चका। तो उससे पहले है ना ये हम बैटर देख लेते हैं। तो ये इसके ना मैं पहले ना गोल गोल आलू की जैसे टिक्के बनाते हैं बस वैसे ही रखना है इनको, आप है ना इनको अच्छे से गोल कर लें, सेम आलू की टिक्की जो बनाते हैं हम तवे पर फ्राई करते हैं बस वैसे ही बनानी है।
अगर आप बड़ा खाना बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी बना सकती है, लेकिन मीडियम आकार की बनाए तो वो भी बना सकती है, क्योंकि मैं बच्चों के टिफिन के लिए बना रही हूँ तो उसी हिसाब से इसको रखूँगी। इनको ना मैं अच्छे से कर लूँगी गोल गोल, और ये बैटर अच्छा ठंडा हो गया है, लेकिन आप है ना हाथों में ऑयल लगा लें उसी हिसाब से बनाएं, क्योंकि चिपकती है। तो ये मैंने बना ली, और ऐसे ही हम सारी बना के रख लेंगे ताकि परेशानी नहीं पड़ेगी। तो इनको ना हमें ना साइड में ऐसे ही रख लेते हैं बनाने के लिए। अब इसके ना हम एक पूड़ी सी बना लेंगे, और ये ना साइड फटे उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसको है ना हमें ना गिलास से, या आपके पास कटर हो आप उससे काट लें एकदम गोल, और ये साइड में रख देते हैं। आप देख पा रहे हैं थोड़ा आधा इंची का ये बस, इतनी मोटी मोटी सी हमें ना बना के रख लेंगे साइड में। अब है ना इसी में से जो लोई टूटती है हम उसके ना सारी बनाते जाते हैं। ये मैंने एकदम फ्री कर ली बना के, क्योंकि परेशानी नहीं आएगी। मैंने आलू की टिक्की भी सारी बना के रख ली थी। अब आप देख पा रहे हैं ये ना मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अब इसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब इन्हें ना हम ऐसे ही रख लेंगे। अब इसमें करेंगे डिजाइन। ये मेरे पास है ना एक नाइफ है, नाइफ है ना केक में जो आता है वही वाला है, तो इससे मैं कट लगाऊंगी। ये चक्कू से भी हो जाता है, ये ना कि ये ही चाहिए आपका कुछ भी हो, आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। और इसका मैंने ऐसे चौकड़ी डिजाइन डाल दिया है। ये डिजाइन भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ना ओवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ओवन नहीं है, मैं इसको ना सिर्फ ट्राई करूँगी, आपको भी बताती हूँ। ये दूसरा भी मैं तैयार करती हूँ, इसमें दूसरी तरीके से हम लगाएंगे डिजाइन, और ये लंबा लंबा डिजाइन कर लेंगे इसमें। फिर इसमें ऐसी चौकड़ी लगाएंगे, थोड़ा गहरा गहरा लगाएं, और इतना भी नहीं लगाएं कि टूट जाए। तो मैं ऐसे ही बना के सब तैयार कर लूँगी, किसी में लंबा लगाए किसी में चौकड़ी बनाई। अब इसको ना डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको करेंगे सेलो फ्राई। इसमें भी हम 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप सोच रहे होंगे सब मैं 2 चम्मच किया है, तो ये थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया, थोड़ा कम लग रहा था। तो ये ऑयल हमारा है ना, गैस भी मैंने अच्छे से जला दी है, ऑयल रख दिया है, और ये पैन भी वही है, इसमें ही हमारे आज बर्तन बिल्कुल नहीं खराब हुए, सारा काम इसी के अंदर हो गया। अब इसमें मैंने जितनी भी टिक्की बना के तैयार करी थी वो ये इसमें रख देंगे। ये पूरे बर्गर बन गए आपके, आपके बच्चे बिल्कुल भी बर्गर नहीं खाएंगे अगर आप इसको ना इस तरह बनाएंगे। आप इसको ना, आपके पास ओवन हो तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकती है, लेकिन मैं इसको सेल्फ फ्राई कर रही हूँ, और ये अच्छे से पलट गया है। पलटने का भी आप बस विशेष ध्यान रखें, और इसको आराम आराम से पलट देते हैं। गैस के फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, और इनको है ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो गैस ये मेरे ना अच्छा सा सिक गया है, और मैंने इनको दूसरे बर्तन में ले लिया है। आप देख पा रहे हो कितना शानदार बना है। अगर आप ओवन में बेक करते ना ये और भी सुंदर दिखता, खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। आपने इनको बच्चों के लिए सुबह शाम के नाश्ते में आप चाय के साथ बना के खा सकती है, आपके बच्चे बर्गर पिज्ज़ा भूल जाएंगे। और गाइस इतना सिंपल रेसिपी है, आप फटाफट से बन जाए। आप ब्रेड की जगह सैंडविच खाना भूल जाएंगे, आपने ब्रेड तो खाई होंगी, लेकिन आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बार बार मांगेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। टेक केयर।